भाजी रहन तो कोई गल नहीं, उन्होंने सवाल पूछ लिया तो कोई गल नहीं की है भाजी, पूछ लिया उन्होंने कोई गल नहीं की भाजी, कोई गल नहीं की है कर लैन तो कोई गल नहीं, पूछ लैन भाजी जवान पुत बन गया मेरा जवान पुत मर गया, मेरा घर खाली हो गया, मैं उजड़ी पई हां, जड़ी घर मैं रात दिन रोनी हां, अज गलती की थी आज का काम पर पाई है ना ना जरा वेचदा ना दसो मेरा नाम है अमरजीत कौल, इलाका हिम्मतपुरा गली नंबर 1। बेटे मेरे नु होया कि घरों चंगा भला गया, राती घर नहीं आया, सवेरे सानू पता लगा 10:30 कि वह दाना मंडी पूरा होया पिया वा, सानू किसी ने घर आके दस्या ते असीं जदों उत्थे गए कहिंदे पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट करानी आ, ते मुलाजमां नूं मैं कहा मैं नहीं करन देनी, तो उह कहिंदे नहीं असीं करनी आ, ते करके वी चलो कुछ तुहानूं सहूलत मिल जाएगी, कुछ तुहानूं असीं दुध दुध पानी दा पानी करके देवांगे। 3 महीने मैं थाने चौंकी फिरदी रही हाँ, मैनूं कोई सुर कोई जवाब नहीं मिलदा रहा। जदों मेरे मुंडे दी 3 महीने बाद रिपोर्ट आई, मैं गई उन्हां कोल रिपोर्ट लैण, उन्हां ने अगों मैनूं कहा तूं रिपोर्ट की करनी है, उहनूं अटैक आया वा, मैं कहा मैनूं रिपोर्ट दे दो, मैं कहे इहनूं दिखा लूँगी, कहिंदे किहनूं दिखा साते विश्वास नहीं है, मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरा कोई भी जरा मेरा कला कला मुंडा ही जरा नशे च पता नहीं कितना मरिया, बूट वह घसीटा पाया, बूट जो कहें तो मैं लिया के तू आना ना बूट लैके आई, उन्होंने घसीट के लैके गए मुंडे मेरे को बिठा के, कोई कुछ नहीं होया। तो देखो हूँ मैं दसो भी मैं किधर जावा, अं भगवंत मान ने जताया से इस करके भगवंत मान नशा मुकावे, नशा बहुत ज्यादा वेखदा महल च, बच्चा बच्चा नशा वेचता वा, कारण तो की है पैसा कमाए, तो जो साढ़े वर्ग घर जाड़ के बह गए तो पुत गवा के बह गए, रोटी तो भी रोन डे बैठे अच्छे अभी तो कहे जोगे नहीं रह गए, खा आखो ओनू घसीट दे खड़िया मुंडे मेरे न जो मरिया वा रिपोर्ट किस तरह मरिया, इन्होंने मैंने दस मैं मेरी किसी ने मदद की, उस वाले ने किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। मेरे बच्चे 23 फरवरी अजे कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, वेखो तुम बूट भी विखाता अक्सर जो मरिया तो बूट घसीट के थोड़ा जाना इन घसीट के लैके गए सीटिया उत्थे जाके, तो दसो जी हुण मेरा कोई हैगा नहीं, तो पुलिस कोई मेरा साथ नहीं दूगा, जिहड़ा कल्ला बंदा होगा की करूगा, जिहड़े बच्चे ने सहारा बना सी उस बच्चे ने कंधा दित्ता। हाँ जी देखो तुसीं मैं जिहड़े बच्चे ने मेरा रोटी देनी सी मैनूं मेरी दवाई दारू पुछना सी ते मैं हुण की करां, मैनूं दसो बीमार आं वी सुज्जी फुल्ली फिरदी आ, कौन मैनूं पुछदा वा, कल तुहाडी फरियाद सुणी फिर डाक्टर ने जी। हाँ जी मैंने कहते हैं अज असीं आवांगे, हाँ अज हजे तक तो कोई नहीं आया, देखो शाम तक आंदे आ कि नहीं आंदे,
मैं तो कहना भी जा मैं घरों रोजगार का कोई दो मैनू मैनू भी पता लगे मैं भी रोटी खाने वाली बना मेरा कुछ तो मेरी सुनाई करो मैंने तो पता लगे मैनू कौन रोटी दूगा मुश्किल बस यही बच्चे नशे तो बचाओ नशा तो बच्चा बचाओ नशा बंद कराओ बस साड़ी होर कोई मंग नहीं ना असीं सरकार को कुछ मंगते ना सानू किसी चीज़ की जरूरत है बच्चे जो नशा साढ़े तो लैन जाते साढ़े बेचते हो तो असं भी रज के रोटी खाइए साढ़े तो नशा बेचते अरे खाते हैं नशा साढ़े घर के भांडे बेच बेच खाते असं यही मंग करते साढ़े इतों नशा निकल जाए बस हाँ सानू होर कोई मंग नहीं मंगते असं सरकार को कुछ नहीं मंगते सानू रोटी कमा के खाने देन असं अपने असं यही सोच के पाई सानू सरकार ने कहा भगवंत मान जी ने भी असं एक महीने के नशा मुक्त करा एक महीने के तो कोई सुनवाई नहीं हुई नशे की ना नशा इतने बंद होया मावं के हालात बुरे हुए पे ने घर रोटी नहीं पकती घर बच्चे विलोम विलोम करते रोटी तो नशे वास्ते मुंडे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आजो अगे आज थोड़ा गल करो नशा बहुत बिकता पा इतने भी साढ़े इतने महल च बहुत नशा बिकता चलो उन्होंने की सुनाई सुनी आते कल भी अवे थे को जिंदगी बन जाएगी सगो हथ लो के बह गई बेड़ा गर्क हो गया मैं कहे जोगी नहीं रह गई ना जल मैं कहे जोगी रह गया मैं दसो मेरी कोई आमदन नहीं कोई कुछ नहीं कोई लैना नहीं कोई देना नहीं मैं किधर जावा अभी भगवंत मान वोटा पाइया कहने वास्ते पाइया सीगिया इसे वास्ते पाइया कि नशा छोड़ जाए लोगों ने बच्चा की जान बच जाएगी लोगों के हाथ जोर जोर के लोगों तरले ला ला के वोटा पाइया अभी ने जितना रुपये लाए से गल की गलबात उन्होंने नाल तो उन्होंने देखो जितने मुझे ने जानते मुझे नहीं जानते ये हम पता लग जाएगा जी सर कि इलाके पहुंचे हो तो की मुश्किल आ रही है कल मैनू है जेडे मनजीत जी ने इन्होंने मैनू दसिया कल सबका मतलब वो इतने आए थी तो भैन जी उन्होंने को जाके इन्होंने अपनी फरियाद रखी कि साढ़े सरन जी तुम इधर आ जाओ कि साढ़े मेरा एक बेटा नौजवान वो मारिया गया किस तरह नशे के नाल और नशा खत्म करना चाहिए उन्होंने आए थे सरकार भगवंत मान जी की इस भरोसे से बने से कि नशे सारे खत्म कर दिए जाएंगे तो जो ये गल भी कर रहे सन तो इन्होंने पूरी एक वीडियो बनाने की कोशिश की तो इन्होंने भी जबरदस्ती हुई इन्हों भी मार ताड़ की इन्होंने वीडियो भी बना के उन्होंने सुट दिती पर यह बड़ा एक अजीब जी कल शायद वो पटना गए हुए थे कभी वो गुजरात गए होंगे ने पर लीफा ने इन्हों जी दुख भरी आवाज़ है वो कौन सुनेगा इस करके मैं आया सी इन्हों की मैं गल सुना और इन्हों की आवाज सब तो ज्यादा जरूरी है कि भगवंत मान जी जो कुत्ते पे उन्होंने खुले जाए इस कारण सारा इन्होंने मुंह ही गल सुन भैन जी आवे इधर हाँ जी सर कि इलाके पहुंचे हो कि मुश्किल आ रही है कल जी एक वीडियो वायरल हो रही है मंत्री साहब की जिस कोई वर्कर पुछता वा कि साढ़े इलाके नशा बड़ा विक रहा उन्हें बहस बसाई की गई देखो अज असी अमृतसर साउथ हलका जो कि सबका मंत्री निज्जर जी इतों के MLA ने उन्होंने इलाके 62 नंबर वार्ड च आए हैं और उचेचा इन्हों की एक फरियाद सुन आए हैं इन्हों का दुख वंडन आए हैं इन्हों का नौजवान बेटा ड्रग्स के नाल अपनी जान गुआ बैठा है हुण बेचारे कल्ली माँ है कोई देखण वाला इन्हों है नहीं है ये अपनी फरियाद लैके कल निज्जर साहब को गए उन्होंने ये कहा कि तुसी साड़ी जिहड़ियां तकलीफां दूर करो और सब तो वड्डी तकलीफ जिहड़ी अमृतसर दे विच है वो
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਧਰ ਆਣਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾ ਸਕੋਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੀਤ 'ਤੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਮਕਬੂਲ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਕਬੂਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੱਗਸ ਫਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਹੀ ਪਾਇਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਡਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਉਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਡਰੱਗ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਪਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਜੀ